सिटी करनाल में स्वास्थ्य को लेकर विभाग लगातार जनता को जागरूक कर रहा है और हर रोज लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग प्रकार के कैंप लगाकर स्वास्थ्य के प्रति जानकारी दी जा रही है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को बिना लाइसेंस और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने छापामारी की है। विभाग की इस कार्यवाही से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। 5 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्याम लाल की अगुवाई में स्वास्थ्य टीम ने राशन और अन्य दुकानों से सैंपल भरे हैं। इन खाद्य पदार्थों के सैंपल को विभाग जांच के लिए भेजा जाएगा। यहां पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी। इस दौरान फास्ट फूड सहित ढाबों में जाकर टीम ने दबिश दी और वहां पर सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। ढाबा संचालकों को सफाई व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही रंग बिरंगी मिठाइयों को खाने से परहेज करने को कहा है। इसकी वजह यह है कि इन मिठाइयों का रंग बिरंगी बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। श्याम लाल ने बताया कि लैब की रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूषित खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर विभाग की पैनी नजर रहेगी। अगर लोगों को भी कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों की सूचना मिलती है तो इसके बारे में विभाग को जानकारी दें, जिससे ऐसे लोगों पर कार्यवाही हो सके। वहीं ओम कुमार सिवाच ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानक कानून 2006 में मानव उपभोग के लिए मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को आजीवन कारावास और ऐसे खाद्य पदार्थ से उपभोक्ता की मौत होने पर 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना साथ ही कारावास हो सकता है। जिसके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा वो अब खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकेगा। वहीं खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री पर 2,00,000 का जुर्माना, दूसरे ब्रांड की नकल कर बेचने वालों पर 5,00,000 रुपए व उत्पाद बेचने के लिए भ्रामक विज्ञापन करने पर 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।